वहीं सांसद सुमेधानंद सरस्वती आज सीकर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि फरवरी माह में केंद्र सरकार की ओर से आने वाला बजट बड़ा ही संतुलित होगा। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और व्यापार, अगर ये चारों संतुलित रहते हैं तो देश आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने शानदार काम किया है वो वाकई में सराहनीय है, और आज लोगों को निरंतर वैक्सीन लग रही है और जल्द ही कोरोना महामारी पर भी नियंत्रण होगा। हमारे देश की यशस्वी वित्त मंत्री माने निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से विकास की गति पकड़ी है और इसलिए कोरोना काल के अंदर भी आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़े हैं, और माने प्रधानमंत्री जी का एक नारा था कि हम इस देश को पैरों पर खड़ा करें, आगे बढ़ाएं। वैक्सीनेशन की दृष्टि से विश्व में भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है, 150 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, 50 करोड़ यूथ को वैक्सीनेशन हुआ है, और बहुत ही जल्दी ये अप्रैल मई के अंदर हमारा जो बिल्कुल जन्म लेने वाला बच्चा है उससे लेकर के और 18 साल तक के सभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हो जाएगा। 16 से 18 का काम तो हो ही गया प्रारंभ।